नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लिए आपका समय आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिलेक्शन फर्नीचर, शॉप ऑनलाइन एट selectioninterio.com टू गेट स्पेशल डिस्काउंट्स। पंचायत चुनाव का नामांकन पत्र जमा करने आए भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी हुए परेशान। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा, शराबी को मिली है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने आने पर भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को कोई पर्चा नहीं मिल रहा है, यह सनसनीखेज आरोप जलपाईगुड़ी जिले में सामने आया। बीजेपी के जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने शिकायत की है कि एक शराबी को चुनाव आयोग की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वे रात में चुनाव की दिन की घोषणा करने के बाद सुबह नामांकन दाखिल करने की बात कह दी। हालांकि कई प्रत्याशी जब नामांकन पत्र जमा करने आते हैं तो फॉर्म नहीं मिल रहा। इस घटना पर भाजपा के जिला अध्यक्ष ने रोष जताया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी एक शराबी को दी गई है, इसके लिए नामांकन पत्र जमा करने के लिए कहीं भी उचित तैयारियां नहीं है। निर्वाचने सेंट्रल फोर्स दावी करते हैं समय बढ़ाते बोलते हैं, निर्वाचन बंद करार राज्य नेतृत्व जाए गेसि कि समय बढ़ाना हो सेंट्रल फोर्स देवा हक गणतान्त्रिक व्यवस्था जैसे सुस्थ थे गणतंत्र के जैसे धर्षण करा ना तरह केंद्र बाहन दाबी जाना है और कोर्टे गेस बाघ जो रक्त स्वाद पाए बार बार रक्त खाती चाय तृणमूल पश्चिम बांगलार पंचायत व्यवस्था माध्यम से लुटे स्वाद पे टाका काटमालि खावर स्वाद से स्वाद की सहजे सारे से झाँपिए पड़े क्षमता दखल करलट जल्द खून हो सब ही क्षमता धरे रखार जन्नो केंद्रीय प्रकल्प टाका लूट करवार जन्नो इधर चाकू से करते। भागो प्रोमो के पंचायत चुनाव को लेकर मांगपू में बैठक। अनित थापा का कहना, बीजेपीएम पार्टी पंचायत चुनाव में करेगी जीत हासिल। भारतीय गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष अनित थापा की अध्यक्षता में आज मांगपू चौरस्ता पब्लिक मीटिंग में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में पार्टी के सदस्य और केंद्र कमेटी के सदस्य मौजूद थे। मुलाकात के बाद अनित थापा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम पंचायत व्यवस्था वापस लाएंगे। अब पहाड़ों में पंचायत व्यवस्था वापस आ गई है। इस व्यवस्था को कौन वापस लाया है और कैसे लाया, ये सबको पता है। तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, यह चुनाव गाँव का चुनाव है। चुनावी रणनीति तैयारी होने के बाद ही हम गठबंधन के मुद्दे पर फैसला करेंगे। यह पूछे जाने पर कि विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों की अपनी रणनीति होती है, चुनाव होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन बीजेपीएम पार्टी पंचायत चुनाव जीत जाएगी। अनाउंसमेंट हुआ उसके विषय में हम लोग कैसे पंचायत इलेक्शन में आगे काम करेंगे, कैसे आगे जाएंगे, इसके विषय में हम लोग डिस्कशन मीटिंग और टीएमसी के साथ में क्या है, एटीएमसी के साथ में आप अलायंस करके पंचायत इलेक्शन लड़ेंगे? उन लोगों के साथ अलायंस में ही था पहले से ही, और लेकिन ये गांव का इलेक्शन से छोटा गांव का इलेक्शन से इसमें मतलब ना कैंडिडेट होता है इसमें थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेंगे इसको कैसे आगे में जाएंगे, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। और पंचायत इलेक्शन में बीमल और अजय फैक्टर आपका कितना मायने रखता है? देखिए, अब सबका अपना अपना हिसाब से सोच है, मैं सभी पार्टी को रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन इलेक्शन ये लड़ाई होगा इलेक्शन में और डेमोक्रेटिक हिसाब से लड़ाई होगा, कोई रही झगड़ा नहीं होगा। जैसे विगत में इलेक्शन हुआ एक फेस्टिवल का तरह इलेक्शन होगा, वैसे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और वोट देने वाला के हाथ में तो हम लोग किसको देंगे, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंस है पंचायत इलेक्शन हम लोग आराम से जीतेंगे। जनता को आगामी चुनाव जीतना चाहिए, नेताओं को नहीं। एडवर्ड, चुनाव में नेता नहीं जनता को जीतना चाहिए, ये विचार हमलो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने व्यक्त किया है। बंगाल के अन्य स्थानों की तरह इस बार दार्जिलिंग पर्वत क्षेत्र को भी आधिकारिक तौर पर पंचायत चुनाव घोषित किया गया है। इस संदर्भ में हमलो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने कहा कि हम पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर मांग की है कि पहाड़ों में पंचायत चुनाव और पहाड़ों के नगर निगम बोर्ड अविलंब कराए जाए। उस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव कराने का वादा किया था, तब पहाड़ों में पंचायत चुनाव हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आज पहाड़ों में दो स्तरीय पंचायत चुनाव करने का फैसला किया गया है।
कुचबिहार में नामांकन पत्र जमा करने के पहले दिन दिखी समस्या, भाजपा ने वीडियो कार्यालय में दिया धरना। कुचबिहार में नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दिन ही दिखी समस्या, नामांकन पत्र नहीं मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने तूफानगंज एक ब्लॉक के वीडियो कार्यालय के समक्ष धरना दिया। तूफानगंज विधानसभा से भाजपा विधायक मालती राव ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। शिकायत है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी थी लेकिन प्रशासन तैयार नहीं है, ऐसे में भाजपा शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर सवाल उठा रही है देखो प्रशासन तैयारी नहीं पंचायत निर्वाचन करार जन्य, निर्वाचन कमिशन निजुक्त हुए थे तारपर दिन भोट डिक्लेयर कर आज के थेके नमिनेशन सबमिट करार कथा छिलो किन्तु प्रशासन नमिनेशन पेपर ही दीते पाच्छे ना। तूफानगंजे दाड़िये आमरा एक नम्बर विडिओ अफिसे कर्मीरा विक्षोभ देखाच्छे जे आमरा एखोनो नमिनेशन पेपर पाइनी, विडिओ बोलछे दिच्छे आर नमिनेशन पेपर एखोनो आमादेर कर्मीरा डिसिआर केटे रेडी होये आछे, नमिनेशन पेपर हाते पाच्छे ना। आमरा भेबेछि आजकेई आमरा अन्ततपक्षे 50টা नमिनेशन सबमिट करब किन्तु এখনো অবধি আমাদের হাতে নমিনেশন পেপার আসেনি, যার জন্যই আমি বিডিওর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। বিডিও হচ্ছে এখনই দেওয়া হচ্ছে, আমরা কালকে রাত 12টা অবধি সব প্রিপারেশন নিয়েছি, মাইক বাজছি, এখনো আমরা প্রস্তুত নই। হলো বাংলার যে নির্বাচন এই ব্যবস্থাকে কি বলবেন, পশ্চিমবঙ্গে যা চলছে সে তো সবাই আইন শৃঙ্খলার থেকে কোনো কিছু যে পশ্চিমবঙ্গে নেই এবং এই নির্বাচন করার পরিবেশও নেই, পরিকাঠামো নেই, কি করে বাংলায় অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। তাই আমি বলেছি যে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে নির্বাচনের প্রিপারেশন বা প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিল, তারা কিচ্ছু করেনি। কিভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন এই তুফানগঞ্জ বিধানসভায় হবে, মানে তুফানগঞ্জ বিধানসভায় এক এবং সুষ্ঠু নির্বাচন কি আশা করছেন? নির্বাচন সম্ভবই নয়, প্রশাসন তৈরি নয়, জনগণ তৈরি আছে ভোট দেওয়ার জন্য কিন্তু প্রশাসন নিজেরাই তৈরি নয়। তার মানে ধন্যবাদ। ফুলবাড়ি এক অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কে কমরঙ্গা গুড়ি মে দিওয়ার লেখন প্রক্রিয়া শুরু। पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राज्य में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही विभिन्न राजनीतिक दल अखाड़े में उतर आई है। जगह जगह दीवार लेखन और चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फुलबाड़ी एक अंचल तृणमूल कांग्रेस के कमरंगागुड़ी क्षेत्र में दीवार लेखन कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में फुलबाड़ी एक अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद आहिद, डाबग्राम फुलबाड़ी प्रखंड युवा अध्यक्ष किशोर मंडल, अंचल युवा अध्यक्ष गणेश बर्मन सहित तृणमूल के अन्य समर्थक मौजूद रहे। अंचल अध्यक्ष मोहम्मद आहिद ने कहा कि फुलबाड़ी में पंचायत चुनाव के नतीजे अच्छे आएंगे। सब नेतृत्व उपस्थित थकाकालीन आज के देवाल लिखन चालू कर लम्बी आज के स्पीड और बेड़े जाए। प्रचारे तुले धरब मेन उद्देश्य एकटाई थाकबे, যে বিধানসভায় মানুষ যে ভুল করেছে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার পরে যে বিধায়ককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমাদের 4টা জিবিতে এই বিধায়ক জিতবার পরে একবারও কোথাও একটা কাজ করে দেখাতে পারেনি। আমাদের লোকসভার যারা জিতেছেন বিজেপির ডক্টর জয়ন্ত রায়, ওনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা ভোটের পরে আর দেখতে পাই না ওনাকে। ওনার তহবিল থেকে একটা কাজও যদি করে থাকে আমাদের ফুলবাড়ি ওয়ানেতে কাজ হয়নি, না ফুলবাড়ি টু, না ডাবগ্রাম ওয়ান, না ডাবগ্রাম টু, তাহলে ওনারা ভোটের আশাটা কী করে করছেন? এবার ওনারা ডাহা হারবেন এবং ওনাদের মানুষের কাছে গিয়ে যে বলবে যে আমাদেরকে ভোটটা দিন, সেই বলবার জায়গাটাও কিন্তু ওনাদের নেই। আর আমরা মানুষের সবসময় থাকি, সামনে জানেন 2022-21 যে করোনা ছিল, এই করোনা মানুষগুলো যারা ছিল তাদের পাশে কিন্তু আমরাই দাঁড়িয়েছিলাম। केंद्र सरकार के 15वें वित्त से सिलीगुड़ी महकुमा परिषद को मिले पैसे का हिसाब नेता प्रतिपक्ष को नहीं दिया जा रहा। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के नेता प्रतिपक्ष अजय उराव ने सिलीगुड़ी महकुमा परिषद पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के 15वें वित्त से सिलीगुड़ी महकुमा परिषद को मिले पैसे का हिसाब उन्हें नहीं दिया जा रहा।
उल्लेखनीय है कि अजय उराव ने सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की 9 सीटों में से एक पर जीत हासिल की है। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद में विपक्ष के नेता बनने वाले वे भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विपक्षी नेता है। उन्होंने शिकायत की है कि चूंकि वे विपक्षी है इसलिए उन्हें यह नहीं बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा महकुमा परिषद के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए दिया गया 15वां वित्त किस क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है। विगत मान जानकारी दिल 21-22, 22-23 और 23-24 मान जे समस्त मान टाकूला आईटाते सठिक भावे মানে আমরা 9 জন আছি, 9 জনের মধ্যে কে কত পাচ্ছে সেটাও আমি জানি না। তো এই বিষয়ে আমি অনেকবার বলেছি, আমি মিটিংয়ের টাইমেও চর্চা হয়েছে, তখন আমি বলেছি মহকুমার উন্নয়নে তো দেখুন এখন তো এই বিগত 10-11 মাস এই আমাদের মোটামুটি 15 FC-র উপরেই ডিপেন্ডেন্ট আছে। তো এর আগেও মানে আমাদেরকে যেটা NBDT যেটা আছে ওইটাতেও কিছু কিছু কাজ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেটা কবে অ্যাপ্রুভ বা অ্যালটমেন্ট হবে সেটাও সঠিক জানকারি নেই। रायगंज के कामलाबाड़ी क्षेत्र में भाजपा ने दीवार लेखन के माध्यम से शुरू किया चुनाव प्रचार। आगामी 8 चुनाव को पंचायत चुनाव होने हैं, यह घोषणा होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने क्षेत्रों में तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर दिनाजपुर जिला समिति ने दीवार लेखन के माध्यम से पंचायत चुनाव अभियान शुरुआत की है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने रायगंज जिले के कमलाबाड़ी क्षेत्र में भाजपा वासुदेव सरकार द्वारा पंचायत चुनाव के लिए दीवार लेखन अभियान की शुरुआत कर दी है। पंचायत निर्वाचन के केंद्र करे हमरा प्रस्तुत छिलाम, गतकाल पंचायत निर्वाचन निघंटो घोषणा হয়েছে, আমরা প্রস্তুত ছিলাম বললাম, কিন্তু এই ঘোষণার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে, একটু সর্বদলীয় বৈঠক করে পদ্ধতি যেটা আছে সেই পদ্ধতি অনুযায়ী একটু মেপে ঝুঁকে করতে পারতেন, তাড়াহুড়া করেছে। এবার যেহেতু কমিশন ঘোষণা করে দিয়েছে মানে ভোটটা হবে আশা করা যাচ্ছে, আর আমরা প্রস্তুত ছিলাম, আর সেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে আমাদের যেমন আজকে 9টা ব্লকেই আমাদের কার্যকর্তারা নমিনেশন সাবমিট করবে, তার সাথে প্রচার অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আমরা কমলাবাড়ি অঞ্চলের এখানে দেয়াল লিখনের মাধ্যমে আমাদের এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার অভিযান আমরা আজকে এই মুহূর্তেই শুরু করে দিলাম। सिलीगुड़ी में ऑल बंगाल तृणमूल रेलवे हॉकर्स यूनियन ने RPF पोस्ट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर हॉकरों पर RPF के अत्याचार का आरोप लगाते हुए RPF पोस्ट का घेराव कर विरोध जताया। शुक्रवार को संगठन के सदस्यों सहित हॉकरों ने न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के सामने से जुलूस निकाला और चौकी के सामने पहुंचे। उनका आरोप है कि काफी समय से रेलवे सुरक्षा बल के कुछ कर्मचारी हॉकरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कभी उन्हें ट्रेन से उतार देते हैं तो कभी उन्हें सामान बेचने नहीं देते। इस तरह के आरोप लगाकर उन्होंने इस दिन विरोध जताया है। संगठन के आगे आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के आदेश पर RPF ऐसा कर रही है। সন্ত্রাস চালাচ্ছে এবং এটা খালি দার্জিলিং জেলা নয়, সমস্ত আপনার কুচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি দার্জিলিং জেলা উত্তর দিনাজপুর তথা সারা বাংলা জুড়ে এরা RPFরা যে হকাররা আছে তাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে এবং তাদেরকে বিনা কারণে হয়রানি করছে, কেস দিচ্ছে এবং জুলুমবাজি করছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন আমরা সংগঠিত করেছি। দেখুন কেন্দ্রে যে মোদি সরকার আছে, আপনারা জানেন বিগত কয়েকদিন আগে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে উড়িষ্যায়, সেখানে বহু লোকের প্রাণ হারিয়েছেন, সেটার কারণ হিসাবে আমরা দেখছি যে রেলওয়ে 350 লোক যে ভ্যাকেন্সি আছে সেখানে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে না, সেই কারণে রেলওয়ে ম্যানেজমেন্ট ঠিক মতন চলছে না। অথচ যারা হকাররা তারা পরিশ্রম করে রেলে হকারি করে কামাচ্ছেন দীর্ঘ 30-40 বছর ধরে, তাদের পেটে আজকে লাত মারার নীতি নিয়েছে মোদি সরকার, তাদেরকে নানাভাবে হয়রানি করাচ্ছে। এটা কারণ হচ্ছে এরা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই সরকারটা হচ্ছে পুঁজিবাদী সরকার, এরা হচ্ছে গরিব মানুষের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং কেন্দ্রে সমস্ত শ্রমিক বিরোধী আইন তারা পাশ করেছেন, সে লেবার কোর্ট থেকে শুরু করে সমস্ত আইন 28টা শ্রম আইন তারা অলরেডি বাতিল করে দিয়েছেন, একটা লেবার কোর্ট চালু করেছেন যেটা শ্রমিকের বিরুদ্ধে একদম একটা কালা কানুন, এটা যদি লাগু হয়ে যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা তামিলনাড়ুতে তা লাগু হয়নি,
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আইনটা লাগু করতে দেননি, সেই জন্য তারা এইসব অত্যাচার করছেন, বিভিন্নভাবে শ্রমিকদেরকে তারা শোষণ করছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন সংগঠিত করছি। এবং আগামী দিনে আগার তারা যদি আমাদের এই দাবি মেনে না নেন তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব এবং আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করব এখানে লাগাতার, যদি যতক্ষণ না আমাদের দাবি মানা হবে এবং হকারদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেটা যদি বন্ধ না হয়, তাদের যদি ন্যায় না পাই তাহলে পরে আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस समर करे कुछ कमाल, सेवन किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लेन, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमाल। मान चले गधा पालचन घोड़ा पालचन तर मेरा श्रीमान ने काक पाल्नु भएको छ, कारण यसको भेटले यहाँको भाग्य चम्किन्छ रे। यहाँको भाग्य त चम्किएन तर सर्ट त धुँदै मेरो हातको रेखा चाहिँ अवश्य मेटिने भयो। यहाँको डियर कागले यहाँको भाग्य चम्काउने छैन तर नागाल्यान्ड डियर लटरीले अवश्य भाग्य चम्काउने छ। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 500 बाई मन्थली लटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड रुपियाँ ग्यारेन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ, अरू पनि धेरै पुरस्कारहरू छन्। टिकटको मूल्य 500 रुपियाँ। लकी ड्र 10 जुन 2023। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। लटरी डियर त किस्मतले गर्छ चियर। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass, age 21 to 39 years, male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches. Job interview, the 12th of June 2023, Monday. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview, the 12th of June 2023, Monday. At Future Vision Consultancy near ISKCON Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट मनी कैन गिव यू कम्फर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, First Floor, Metro Heights, Save Oak Road, Siliguri. Contact 9832011336. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। कॉन्टैक्ट 6375847663, 9635871494।
at Seven Concepts, we manufacture this railing posts of all sizes, all designs. Ye jaise colors wala normal design hai. This is a main post made of teak wood. This is CNC work. Koi bhi design aap bolte hain, wo kaat dete hain. Staircase par lagane ke liye pure wood ka flooring bhi aata hai. We also have handrails. This also we have. We manufacture in all designs, all colors. This is a raw. We also have WPC chockets. You can use in exteriors also. We have mounted this WPC chockert. It is 100% waterproof. Hamara showroom 7 Concepts Parnami Mandir Road mein ASGI Hospital ke paas mein hai. Samjhana hos jati nai mitho pal ko bistare bhuldai jadachau. Hami bhane tapai ko samjhana lai agami pustau samma jogaera rakhne chau. Samjhana ma no compromise. Taja rahane cha tes pal ko vibes. Hire professionals, latest technology dwara tapai ko photography ani भिडियोग्राफी को आवश्यकता हामी गर्छौं पूरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौं जोगाएर सम्पर्क सोमानी डिजिविजन एन्ड प्रोडक्शन्स आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कूल सिलगढी सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। टॉक टू मेयर में शिकायत मिलने के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर से अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सिलीगुड़ी के शक्तिगढ़ क्षेत्र में एक अवैध निर्माण को तोड़ा गया। नगर निगम सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी के शक्तिगढ़ इलाके में एक आवास में अवैध निर्माण किया गया था। यह निर्माण नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना योजना के पास किया गया था। कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी निवासी विमान राय नामक व्यक्ति ने टॉक टू मेयर कार्यक्रम में इसकी शिकायत की थी। नगर निगम ने उस शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। शुक्रवार को नगर निगम के इंजीनियरों की मौजूदगी में अवैध निर्माण के सबूत मिलने पर निर्माणों को तोड़ दिया गया। दोस्ती की आड़ में अपहरण के आरोप में एक और युवक को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि मोनी बर्मन को अपहरण के आरोप में 3 जून को गिरफ्तार किया गया था। खोरीबारी पुलिस ने गिरफ्तार मोनी को 7 दिन की रिमांड पर लाकर जांच शुरू की। पूछताछ के सिलसिले में एक और युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान खोरीबारी के वारिस जोत निवासी मानिक बर्मन के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृत्युंजय अधिकारी को कुछ बिहार से उसके दोस्त मोनी बर्मन ने खोरीबारी में बुलाया था। उसके बाद मृत्युंजय की रिहाई के लिए 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद परिजनों ने खोरीबारी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी अनुमंडल न्यायालय भेजा गया है। वेस्ट बंगाल प्राइवेट ट्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन ने डीआई को दिया ज्ञापन। वेस्ट बंगाल प्राइवेट ट्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन दार्जिलिंग जिला शाखा के सभी होम ट्यूटर और शिक्षक एक विरोध रैली लेकर जिला स्कूल शिक्षा कार्यालय में उपस्थित हुए। संगठन की ओर से स्कूल शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन बंद करने की मांग उठाई गई। जिला स्कूल शिक्षा कार्यालय में डीआई की अनुपस्थिति में कार्यालय के अन्य अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है। एक सप्ताह के बाद डीआई राजीव प्रमाणिक के साथ मुलाकात की बात बताई गई है। नाम समीर कुमार दे, हमें वेस्ट बंगाल प्राइवेट ट्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन स्टेट कमिटी कल्चरल एंड वेलफेयर सेक्रेटरी। दार्जिलिंग जिला कमिटी पक्ष के डीआई का कारण दीर्घदिन धरे कतिपय स्कूल शिक्षक और शिक्षिका जरा दीर्घदिन जो राज्य सरकार आईन और से संगे स्कूल शिक्षा दफ्तर आईन और तत्सह सम्प्रति मे मसे एक हाईकोर्टे निर्देशनामा बैरिए जेखने परिष्कार बला आज तरा को गृहशिक्षकता क्या करते पर ना तरा पसार बनीमय ना और पैसा नहीं तो पर ही ना तो यही दीर्घदिन के आंदोलन चाली आस सारा राज्य विभिन्न अंचले आज के बेपारे जी के बोलते आसलम जरा ये अन्या काजगुल कर तक अविलम्बे से अन्या काज के बरत करते हैं। विश्व महासागर दिवस पर मुंशी प्रेमचंद कॉलेज के 4 बंगाल गर्ल बटालियन एनसीसी कैंडेट्स ने महानंदा नदी की सफाई कर चलाया जागरूकता अभियान। इस कार्यक्रम के दौरान सिलीगुड़ी में नदी को साफ रखने तथा सभी शहरवासियों को कहा गया कि उनका कर्तव्य है कि नदी को साफ रखें, क्योंकि भविष्य में भारी जल संकट आ सकता है। अतः सभी से अनुरोध किया है कि सतर्क रहना जरूरी है। इस कार्यक्रम के दौरान मुंशी प्रेमचंद कॉलेज के एनसीसी टीचर डॉक्टर रितु छेत्री जी एवं एनसीसी 4 बंगाल बटालियन आर्मी के जवान, एमबीए सिलीगुड़ी अर्थात महानंदा बचाओ अभियान के संयोजक गुरुकुल के प्रिंसिपल अरुणांशु शर्मा उपस्थित थे। अरुणांशु शर्मा जी ने कहा कि निकट भविष्य में एनसीसी कैंडिडेट्स एवं स्टूडेंट और शहरवासियों के साथ जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। आई कैडेट लक्ष्मी सरकार फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद महाविद्यालय एनसीसी कैडेट 4 बंगाल गर्ल्स बटालियन
So we are here to clean Mahananda River because of we are celebrating International Ocean Week. So हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे वाटर बॉडीज को साफ करने, क्योंकि इसी से हम लोग यही सब पानी जो है हम लोग क्लीन करके पीते हैं, राइट? ऐसा ही है. तो हमें ये सब कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज़ों को क्लीन करें, वो ज़्यादा गंदगी ना फैलाए. अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है. हम लोग इसी पे डिपेंड करते हैं. पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है. सरकारी स्कूलों से कई ग्रीन मेड साइकिल और रसोई गैस सिलेंडर चोरी हो गई. 22 अप्रैल को सिलगुड़ी शहर के पास फुलबाड़ी ईस्ट धनतला हाई स्कूल से स्कूल बंद होने के दौरान कई साइकिल और गैस सिलेंडर चोरी हो गए थे. वही शिकायत के आधार पर न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने गुरुवार को फुलबाड़ी के दो युवकों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी की ये साइकिल स्कूल से बरामद कर ली है. गिरफ्तार किए गए लोगों में फुलबाड़ी के पश्चिमी धनतला इलाके के मोहम्मद मैनुद्दीन खान और सिलीगुड़ी के देशबंधु पाड़ा के विराज बर्मन शामिल है. गिरफ्तार लोगों को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया. আমাদের গত মে মাসে 22 তারিখে আমাদের স্কুলে স্কুল বন্ধ আছে, একদম সামার ভ্যাকেশন চলছে এবং সেখানে আমাদের স্কুলে কিছু ছাত্রছাত্রী সাইকেল রাখা ছিল আর সবুজ সাথী আর স্কুলে রান্নার গ্যাস ছিল. সেইগুলো আমরা দেখি বন্ধর মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে যখন যেতে হয় কোনো কোনো কাজ, তখন যেই দেখি চুরি হয়েছে. তারপরে আমরা হেডমাস্টার, আমাদের হেডমাস্টার অসুস্থ, পা ভেঙে গেছে, সেই জন্য উনি বেড রেসে আছে, সেই জন্য আমরা ওই সময় ডায়েরিটা করতে পারিনি. কিন্তু আমরা ইঞ্জিপ আউটপোস্টে সে মৌখিককে আমরা জানিয়েছিলাম এবং আমাদের যে এই আউটপোস্টে যে ফগনবাবু উনিও ওনার কাছে জানানোর পর উনি বলেছিল যে হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করবো যে রিকভারি করা হয়, যেহেতু হেডমাস্টার অসুস্থ. এবং গতকালকে আমরা জানতে পারলাম আমাদের সেই সাইকেল এবং গ্যাসের সিলিন্ডার মানে রিকভারি করেছে এবং এই জন্য আমাদের স্কুল তরফ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাই. আগামী দিনও যে যদি কোনো দুর্ঘটনা এরকম ঘটনা ঘটে, যদি এরকমভাবে মানে রিকভারি করে মানুষের যে এলাকায় যে একটা চুরির ঘটনা থেকে অনেকটাই যেন মুক্তি পায় এই আশা. কয়টা সাইকেল ছিল আমাদের? তিনটা সাইকেল ছিল, আর একটা রান্নার গ্যাস, আর একটা রান্নার. কবে চুরি হয়েছে? মে মাসের 22 তারিখ. दो दिवसीय कराटे कार्यशाला की शुभारंभ आज सिलीगुड़ी के सालुगाड़ा के समीप एक निजी कंपनी के प्रांगण में सीनियर व जूनियर विभागों के कराटे कार्यशाला की शुरुआत की गई. ज्ञात हुआ कि शुक्रवार व शनिवार को विभागीय परीक्षाओं के साथ साथ छात्रों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कल्पेश मकियाना है और मुख्य आयोजक सेंसी कला चंद विश्वास ने कहा कि हर साल इस तरह की कार्यशाला बच्चों के साथ आयोजित की जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि कराटे न केवल आत्मरक्षा है बल्कि बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का भी विकास कराता है. বিভিন্ন আমাদের এখানে বিভিন্ন স্কুলস পার্টিসিপেট করে, মানে বিভিন্ন স্কুল অফ ক্যারাটে, শেতিরীয় স্কুল আছে, শতকান আছে, আমরা শতকান করি. তো আমাদের স্টান্সগুলো ডিপ, শেতিরীয় যারা স্টুডেন্ট আছে ওদের স্টান্সগুলো ছোটো ছোটো করে, তো ওই স্টান্টগুলো কারেক্ট করতে, কারণ নিজের বডির ব্যালেন্সটা সেই একটা পোজের মধ্যে কীভাবে রাখতে হয়। সবসময় আপনি দেখবেন যারা ক্যারাটে স্টুডেন্ট আফটার সাম টাইম উইল বি স্ট্যান্ড স্ট্রেট, বাকি সব মানুষ দেখবেন সব একটু একটু ঝুলে বসে, ক্যারাটে এটাই শেখায় ইউ স্ট্যান্ড স্ট্রেট, ইউ স্ট্যান্ড স্ট্রেট. না বাইরে দেখো, কুচবিহার টু ভুল বললো তো সেন্সাই রাহুল আমাদেরকে জয়েন করেছেন, এরকম অনেক আছে. প্লাস উই গট টু গার্ল সেন্সাইজ অলসো, সেটা আরও ভালো. আমি এরা নতুন আমার যখন শুনলো যে দেখুন আমরা এরকম একটা ক্যাম্প করছি, ওরা শুনলো যে এরকম একটা ক্যাম্প করি, ওরা সাথে সাথে আমাদেরকে জয়েন করলো. এখন আমাদেরই যে বিদ্যা ওদের বিদ্যা আমাদের সাথে শেয়ার করবে, আমাদের বিদ্যা আমরা ওদের সাথে শেয়ার করবো. সিলিগুড়ি মে সাতওয়া গীতাঞ্জলি আম মহোৎসব শুরু. सिलीगुड़ी में शुक्रवार से सातवां गीतांजलि आम महोत्सव शुरू हो गया है. यह उत्सव 3 दिनों तक चलेगा. यहाँ देश विदेश से तरह तरह के आम आते हैं. इस फेस्टिवल में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल समेत पूरे पश्चिम बंगाल से आम की विभिन्न प्रजातियों को लाया गया है. यहाँ आम के विभिन्न स्टॉल हैं. एक भारतीय संस्था नेपाल पर्यटन के सहयोग से इस उत्सव का आयोजन कर रही है. इस उत्सव के माध्यम से आम की खपत और आम से जुड़े किसानों को बढ़ावा देने और इस फल को विश्व विरासत का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. अलग अलग उत्पादों ने अपने अपने खेती वाले आम लेकर इस प्रदर्शनी में पहुंचे हैं. এই যে সপ্তম আম মহোৎসবে আমরা এসেছি. এই আম মহোৎসব আমরা শুরু করেছিলাম আমরা 2010 সালে,
সেই বছর আমাদের গীতাঞ্জলি যে বাংলা এডিশনে তার 100 বছর পূরণ হয় এবং সেই জন্য এটা অদ্ভুতভাবে বাংলার আমের একটা সেলিব্রেশন হিসেবে আমরা এটার নাম গীতাঞ্জলি ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল রাখি। এবং স্কুলের কিছু টিচার কিছু বাচ্চাকে আম খাওয়াবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু আমরা সেখানটায় এসে বললাম যে না, শুধু আম খাওয়ালে হবে না, আমের যারা চাষি কারা যারা আম চাষ করে, কেন কি বেশিরভাগ বাচ্চার কাছে আজকে আম মানে হচ্ছে যে সেটা মলে পাওয়া যায় বা অ্যামাজনে অর্ডার করা যায়, কিন্তু আম যে গাছে হয় এবং যারা যারা কষ্ট করে এই আমের রাজ যেটা ফলের রাজা আমকে তৈরি করে তারা কিভাবে করে, তাদের গল্প শোনার জায়গাটার থেকে কিন্তু এই আম উৎসবটা আমাদের শুরু করা হয়েছিল 2010-এ। আজকে সপ্তম বছরে এসে এই আম উৎসবটা শুধু আমাদের উত্তরবঙ্গের উৎসব নয়, এটার সাথে আমাদের 4টে দেশ ইনভলভ হয়ে গেছে, ইন্ডিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ এবং ভুটান, এই 4টে দেশ এখানটায় ইনভলভ হয়ে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আশেপাশের রাজ্য আসাম এবং বিহার থেকে কত মানুষ এখানে এক জায়গায় এসছে এবং আমের সাথে সাথে তাঁত, আমের সাথে সাথে হস্তশিল্প, আমের সাথে সাথে আমাদের বিভিন্ন রকম গ্রামীণ পর্যটন, হ্যাঁ, তার সাথে যেই কালচারগুলো ইনভলভড আছে, যেরকম আমাদের আর্ট আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট ইনভলভ আছে, ফাইন আর্টস, সেটাও যেরকমভাবে চলে এসছে, এবং তার সাথে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফ্যাশন থেকে আরম্ভ করে ফোক এবং ক্লাসিক্যাল থেকে শুরু করে সাহিত্য চর্চা সবই কিন্তু এই আম উৎসবে একসাথে এসছে। তো এই 3 দিন আমাদের 9, 10, 11 আমরা এই 3 দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আম উৎসব কিন্তু সকাল 11টার থেকে 8টা পর্যন্ত মানুষে ভরে থাকছে এবং আম খাওয়ার শুধু লোভ নয়, আমের সাথে যত রকম চর্চা সম্ভব সেই চর্চার মধ্যেও কিন্তু মানুষজন ইনভলভ হয়ে পড়ছে। ফিলহাল কে লিয়ে ইতনা হি, আপ দিজিয়ে মুঝে ইজাজত, তমাম খবরে অপডেট কে লিয়ে বনে রাইজ কে লাইভ পে।